हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम 4 नंबर बाल गोपाल जी के लिए ये ड्रेस बनाना सीखेंगे इसी डिजाइन में। और मैंने ये 5 नंबर बाल गोपाल जी की ड्रेस अपने चैनल पे बना के अपलोड कर रखी है। अगर अभी तक आपने इस ड्रेस को नहीं देखा है तो आप वहाँ जाके इसकी वीडियो देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, मुझे इसी वीडियो पर कमेंट आया था कि मैम ये 4 नंबर बाल गोपाल जी के लिए बना के दिखाइए, तो आज मैं 4 नंबर बाल गोपाल जी के लिए बना के दिखाऊंगी और 3 नंबर बाल गोपाल जी के लिए भी हिसाब बता दूंगी किस तरीके से बनाना है। तो बनाना शुरू करते हैं। मैं आपको इसका साइज बता देती हूँ, मैंने इसका घेरा कितना रखा है 5 नंबर बाल गोपाल जी के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, लगभग 9.25 के करीब आ रहा है, 9.5 के इंच के करीब आ रहा है। आप घेरा अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं, जैसा आपको बड़ा रखना है या छोटा रखना है। और फ्रेंड्स, ये 4 नंबर बाल गोपाल जी की चोली है। और 4 नंबर बाल गोपाल जी की चोली के लास्ट में 20 स्टिच आते हैं, 20। देखिए, 5-5 हमारे ये फ्रंट पे है और 10 हमारे बैक साइड पे। और जो हमारी ये 5 नंबर बाल गोपाल जी की चोली होती है उसके लास्ट में हमारे पास 24 स्टिच आते हैं। और जो हमने ये कलिया बनाई हुई है, ये इसको हमने 3-3 से डिवाइड करा हुआ है। हमने 24 को 3 से डिवाइड करा है, 3 8 24, जिस वजह से हमारी ये कली 8 बनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8। और देखिए, यहाँ पे हमारे 20 स्टिच है तो हमें 3 के हिसाब से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर हम इसमें से 2 स्टिच कम करेंगे तो 3 6 18, अगर हम 1 स्टिच यहाँ पीछे की साइड बढ़ा देंगे तो 3 7 21। तो हम 2 माइनस करने की जगह 1 हम बढ़ा देंगे लास्ट यहाँ पे 5वीं रो में। जैसे कि हमने 5 रो बनाई है, 1 2 3 4 5, चोली की 5 रो है। जब हम 4th रो कंप्लीट कर लेंगे तो जो हमारी 5वीं रो होगी उसमें हम बैक साइड पे 1 स्टिच बढ़ा देंगे, तो ये हमारी 21 स्टिच हो जाएगी, 21। तो जिस वजह से हम इसको डिवाइड करने में आसानी हो जाएगी, 3 7 21, तो हमारी ये 7 कलियाँ बन जाएगी। जैसे कि मैं आपको इसमें इस चोली में बना के दिखा दूंगी। देखिए, मैंने ये 4 रो बनाई हुई है चोली की, 1 2 3 4। अब हम 5वीं रो में पीछे की साइड, हमें पीछे की साइड ही बढ़ाना है 1 स्टिच। देखिए, और जो हमारी 3 नंबर बाल गोपाल जी की चोली होती है उसमें भी हमारे 20 स्टिच होते हैं लास्ट में। तो आप 3 और 4 नंबर बाल गोपाल जी का हिसाब एक ही रहेगा घेरा बनाने के लिए। जैसे हम 4 नंबर बाल गोपाल जी का घेरा बना रहे हैं, यहाँ पे हम बैक साइड में 1 स्टिच बढ़ाएंगे, उसी तरह आप 3 नंबर बाल गोपाल जी की चोली में भी 5वीं रो में 1 स्टिच पीछे की साइड बढ़ाइएगा। चलिए बनाना शुरू करते। देखिए, 4 रो हमारी कंप्लीट हो गई थी, अब तो हम 5वीं रो में 1 2 3 चैन लेंगे, वर्क टर्न करेंगे। और देखिए, जो हमारा फ्रंट का एरिया है उसमें हम 5 ही बनाएंगे। जैसे कि ये देखिए, इसमें हम 5 ही बनाएंगे। तो 3 4 5। और देखिए, जो हमारी यहाँ तक, यहाँ से लेके और यहाँ तक बैक साइड का एरिया, उसमें हम 1 बढ़ाएंगे, बीच में आके बढ़ा देंगे। एक, दो, तीन, चार, 5 5 आने के बनाने के बाद 1 स्टिच हम इसी जगह बढ़ा देंगे, 5वीं चैन के अंदर दोबारा से बना देंगे। एक तो हमें बनाना ही था फ्रेंड्स, देखिए, एक तो हमें बनाना ही था और एक और बना देंगे हम अपना डिजाइन बनाने के लिए। ये देखिए, 5वीं चैन में हमने एक और बढ़ा दिया, तो ये एक ही जगह से 2 हो गए हमारे। अब बाकी चैन में 1 1 बनाएंगे। जब आप चोली बनाओ तो आप 5वीं रो में इसी तरीके से 1 बढ़ाइएगा। देखिए, लास्ट वाली चैन में आके भी हम 1 बार बना देंगे।
अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी 21 स्टिच हो गई, 21, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. अब हमारा ये कली सही से बन जाएगी, सिक्वेंस में बन जाएगी, इसीलिए हमने ये कली बनाने के लिए एक स्टिच बढ़ाना पड़ेगा हमें, और इसीलिए हमने ये बढ़ा दिया है। अगर आप 5 नंबर बाल गोपाल जी के लिए बनाओगे तो ये इसमें तो हमारी 24 स्टिच बनती बनती है लास्ट रो में, तो हमें इसमें कोई बढ़ाना नहीं पड़ेगा। 3 से हमने 24 को 3 से डिवाइड करा, 3 8 24, इस तरीके से हमने इसमें 8 कली बनाई है। अब देखिए लास्ट में आके से जोड़ देंगे चैन में। देखिए हमारी चोली बनके तैयार हो गई है 4 नंबर बाल गोपाल जी की। और अगर आपको ये चोली बनाना सीखना है तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं चोली किस तरीके से बनाते हैं। मैंने अपने चैनल पर 0 से लेके 5 नंबर 6 नंबर बाल गोपाल जी की चोली डाल रखी है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें घेरा साइड से बनाना चाहिए, तो हम इस वाले धागे को यहाँ लेके आएंगे। देखिए चैन पर हुक डालेंगे, धागा लेके बाहर आए और पीछे वाले लूप में से निकाल देंगे। हम ये स्लिप चैन बनाते हुए आगे जा रहे हैं। जब हम घेरा साइड से बनाते हैं तो हमारी सफाई आती है घेरे में। देखिए 5 स्टिच हम यहाँ से छोड़ेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, और छठी चैन में अपना धागा लेके आएंगे। देखिए अब हमारे बाजू के नीचे धागा आ गया है। अब हम यहाँ 3 चैन बनाएंगे, 1, 2, 3, 3 चैन बनाई हमने। और देखिए दूसरी चैन में से भी एक बार बनाएंगे, 2, और थर्ड चैन में से भी एक बार बनाएंगे, 3। 3 बनाने के बाद हमें 2 चैन का गैप देना है, 1, 2, 2 चैन का गैप दिया हमने। और देखिए जो 4 चैन है उसमें से एक बार बनाएंगे, फिर एक बनाएंगे, अलग अलग चैन में से बनाने हैं हमें ये। देखिए 3 बना लिए हमने डबल क्रोसिए। देखिए 3 बनाए, 2 चैन का गैप दिया, फिर 3 बनाए और 2 चैन का गैप देंगे, 1, 2। और फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है कि हमें नीचे से कोई भी चैन स्किप नहीं करनी है, हमें हर चैन में से डबल क्रोसिए बनाने हैं, सिर्फ ऊपर की तरफ हमें चैन लेनी है। देखिए 3 डबल क्रोसिए बनाने के बाद 2, 3 बनाए हमने, 3 बनाने के बाद 2 चैन लेंगे। फिर से हम देखिए नीचे, देखिए इसी के साथ वाली चैन में बना रहे हैं हम, कोई चैन स्किप नहीं करेंगे, 1, 2, 3, फिर 2 चैन, फिर से 3 डबल क्रोसिए बनाएंगे, 1, 2, 3, फिर 2 डबल क्रोसिए, फिर से देखिए 1, 2, 3, फिर 2 चैन, 1, 2, फिर 1, 2। देखिए थर्ड चैन में डाल के भी एक बार बना देंगे, 3, और 2 चैन का गैप देंगे लास्ट में आके भी। और जो हमारी स्टार्टिंग की 3 चैन बनाते हैं उसकी थर्ड चैन में डाल के हम यहाँ स्लिप चैन से इसे ज्वाइंट कर देंगे राउंड को। देखिए फ्रेंड्स अब हमारी कली, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 कली बनेगी इसमें, इसमें हमारी 8 बनी थी। हमने 21 को 3 से डिवाइड कर दिया है, 3 7 21। अब देखिए 3 चैन बनाएंगे, 1, 2, 3। अब जो हमारा बाकी वर्क होगा वो सेम ऐसे ही बनता जाएगा, बस सिर्फ आपको देखना है कि आपको घेरा ज़्यादा रखना है या कम रखना है, उसी हिसाब से ये वाली रो बनाइए। मैं आपको बता देती हूँ, देखिए स्टार्टिंग में हमने एक बनाया और इसी जगह से हम एक बार और बना देंगे। पहले चैन में से हम देखिए 1, 2 बनाए हमने। अब जो हमारा दूसरी चैन है उसमें से हम एक बार बनाएंगे,
और जो हमारी थर्ड चैन है उसमें से हम दो बार बनाएंगे, एक और सेम जगह डाल के एक बार और बना देंगे। ये हमारे तीन के ऊपर चार डबल सॉरी पांच डबल क्रोसी हो जाएंगे, दो स्टिच हमारे बढ़ जाएंगे, एक हमारा फ्रंट में बढ़ेगा और एक हमारा लास्ट में बढ़ेगा। देखिए पहले तीन थे, एक दो तीन, अब हमने दूसरे रो में दो बढ़ा दिए हैं तो ये पाँच हो गए, एक दो तीन चार पाँच। इसी तरीके से बढ़ाने हमें हर रो में दो दो स्टिच बढ़ाने, एक हमें शुरू में बढ़ाना होगा और एक हमें लास्ट वाली चैन में। अब दो चैन लेंगे, देखिए दो चैन लेने के बाद फिर से देखिए पहली चैन में हम एक दो बार बनाएंगे, पहले एक बार बनाया फिर इसी जगह डाल के सेम जगह डाल के एक बार और बना देंगे, दो हो जाएंगे। फिर दूसरी चैन है जो हमारी दूसरा डबल क्रोशिया है उसकी चैन में ऊपर वाली चैन में डाल के एक बार बनाएंगे, और जो हमारी थर्ड चैन है उसमें हम दो बार बना देंगे, एक दो, और दो चैन लेके आगे जाएंगे। देखिए तीन के ऊपर हमारे पांच बन गए, इसी तरह से रो पूरी करेंगे। देखिए हमारा दूसरा रो भी कंप्लीट हो गया है, अब इसे थर्ड चैन में लाके इसे जॉइंट कर देंगे राउंड को, तीन चैन बनाएंगे, एक दो तीन। अब स्टार्टिंग में हमें दो बार बनाने होते हैं, एक हमारा बन चुका है और दूसरा इसी जगह लाके हम दोबारा से बना देंगे एक और। तो देखिए एक स्टिच हमारी स्टार्टिंग में बढ़ जाएगी और बाकी जो हमारे बीच में चैन है उसमें हम एक एक बनाएंगे। अब देखिए जो लास्ट वाली चैन है उसमें आके हम दो बार बनाएंगे, एक, और सेम जगह डाल के हम एक बार और बना देंगे दो। देखिए पांच से हमारे अब थर्ड रो में हमारे पास देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात, सात डबल क्रोशे बन जाएंगे और दो चैन बनाएंगे, एक दो, और फिर इसी तरीके से पांच के ऊपर सात बनाएंगे और रो कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स हमारा थर्ड रो भी कंप्लीट हो गया है, अब लास्ट में आके इसे ज्वाइन कर देंगे थर्ड चैन में और तीन चैन बनाएंगे, एक दो तीन। अब स्टार्टिंग में एक बना दिया हमने और इसी जगह सेम चैन के अंदर एक और बना देंगे। देखिए एक बढ़ गया हमारे स्टार्टिंग में और हर चैन में से एक एक लेंगे, और जो लास्ट वाली चैन होगी उसमें से हम दो बार बनाएंगे। अब ये हमारे सात के ऊपर नौ डबल क्रोशे हो जाएंगे फोर्थ रो में। एक और देखिए इसी जगह एक बार और बना देंगे। देखिए अभी हमारे सात के ऊपर नौ डबल क्रोशे हो जाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ। फिर से दो चैन बनानी है और फिर देखिए सात के ऊपर नौ डबल क्रोशे करिए इसी तरीके से और रो पूरी करेंगे। देखिए हमारा फोर्थ रो भी कंप्लीट हो गया है, अब देखिए लास्ट में आके इसे थर्ड चैन में ज्वाइंट कर देंगे। अब देखिए तीन चैन बनाएंगे, एक दो तीन, और सेम जगह डाल के एक बार और बना देंगे। स्टार्टिंग में हमने दो बना दिए और हर चैन में से एक एक बनाना है हमें, जो हमारी ये बीच की चैन है उसमें से हमें एक एक बनाना है और जो लास्ट वाली चैन है उसमें से आके हमें दो बार बनाने हैं। देखिए जो हमारी लास्ट वाली चैन है उसके अंदर से हम दो बार बना देंगे, एक, और सेम जगह डाल के एक बार और बना देंगे और दो चैन लेंगे आगे जाने के लिए। देखिए अभी हमारे नौ के ऊपर ग्यारह डबल क्रोशिया हो गए, पहले हमारे तीन थे फिर पाँच फिर सात फिर नौ, और ये फिफ्थ रो में ग्यारह डबल क्रोशिया हो गए। इसी तरीके से रो पूरी करेंगे। देखिए हमारा फिफ्थ रो भी कंप्लीट हो गया है, अब इसे लास्ट में आके हम ज्वाइंट कर देंगे थर्ड चैन में। देखिए फ्रेंड्स अब हम इसके आगे डिजाइन डालेंगे। अगर आपको घेरा और भी बड़ा चाहिए चार नंबर बाल गोपाल जी के लिए या तीन नंबर बाल गोपाल जी के लिए, और इसी तरीके से आपको दो रो और बनानी पड़ेगी जिस तरह से मैंने इस वाले ड्रेस में बनाई है। देखिए इसके बाद हम 11 के बाद करेंगे तो 13 आ जाएगा, एक यहाँ बढ़ जाएगा, एक रो हमारा यहाँ बढ़ जाएगा।
जितना आपको घेरा बनाना है उसी तरीके से आप घेरा बड़ा कर सकते हैं। अब मैंने चांदम्बा बाल गोपाल जी के लिए घेरा ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है, तो आप देखिए हमारे ये 11 डबल क्रोसी है। हम इसको देखिए सेंटर में जो हमारा एक बचेगा, हम पांच इधर की तरफ से छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5, और पांच हम इधर की तरफ से, 1 2 3 4 5, जो हमारा ये बीच का है, जो हमारा ये छठा डबल क्रोसिया है, पांच यहाँ काउंट करने के बाद और पांच यहाँ पे हम काउंट करने के बाद, जो हमारा ये बीच का डबल क्रोसिया वहाँ पे हम वर्क करेंगे। अब इस रो में पहले देखिए तीन चैन बनाएंगे, 1 2 3, एक डबल क्रोसिया हो गया। अब हमें यहाँ पे कोई स्टिच बढ़ानी नहीं है फर्स्ट वाली चैन में। अब देखिए दूसरी चैन में से एक बार बनाएंगे, 2, थर्ड चैन में से एक बार बनाएंगे, फोर्थ चैन में से भी एक बार बनाएंगे, और देखिए पांचवी चैन में से भी हम एक बार बनाएंगे। देखिए पांच डबल क्रोसिया हमने बना लिए अलग अलग चैन के अंदर से। अब जो हमारा देखिए छठा ये सेंटर का, जो हमारे 11 डबल क्रोसिया थे उसके सेंटर का डबल क्रोसिया ये छठा, तो सिक्स वाली चैन के अंदर आप देखिए हुक डालेंगे। यहाँ पे पहले एक डबल क्रोसिया बनाएंगे और तीन चैन बनाएंगे। अब एक बनाने के बाद 1 2 3, फिर बल लेंगे और इसी जगह पे छठी चैन के अंदर एक डबल क्रोसिया और बना देंगे। देखिए हमारा वी बन जाएगा। हमने ये छठी चैन में वर्क करा है पांच बनाने के बाद। अब देखिए फिर से हम पांच चैन है हमारे यहाँ पे, सब में एक एक बनाते हुए चलेंगे, 1 2 3 4, और देखिए पांचवी चैन में भी एक बार बनाएंगे। देखिए हमने यहाँ पे लास्ट में भी एक बार बनाया, स्टार्टिंग में भी एक बार बनाया, और हमने जो हमारी छठी चैन है उसमें हमने दो बार बनाए। पहले हमने एक बनाया, फिर तीन की चैन ली, फिर एक बनाया। अब देखिए दो चैन लेंगे गैप के लिए, हमें दो चैन लेनी है शुरू से लेके, दो दो चैन लिए हमने। अब देखिए इसी तरीके से हम पांच डबल क्रोसिया बनाएंगे, पहले 1 2 3 4 5, पांच बनाने के बाद अब हमारी जो छठी चैन है उसके अंदर पहले हम एक बार बनाएंगे, फिर तीन चैन लेंगे, 1 2 3, और फिर से सेम जगह डाल के छठी चैन के अंदर डाल के एक डबल क्रोशिया और बना देंगे। तो देखिए हमारा ये वी बन जाएगा छठी चैन के अंदर। अब फिर हम पांच चैन में एक एक बनाते हुए चलेंगे अलग अलग चैन के अंदर से, 2 3 4 और ये 5, दो चैन लेके आगे जाएंगे। देखिए हमें छठी चैन के अंदर वर्क करना है अपना, पांच बनाने के बाद जो हमारी छठी चैन आएगी उसके अंदर वर्क करा हमने। ये हमारा सेंटर का है, पांच हमने यहाँ से छोड़े और पांच हमने यहाँ से छोड़े, और जो छठी चैन है बीच की सेंटर की वहाँ पे वर्क करना है, और इसी तरह से रो पूरी करेंगे। देखिए हम वर्क के लास्ट में आ गए, लास्ट में आके दो चैन बना लिए हमने। अब थर्ड चैन में ज्वाइन कर देंगे राउंड को, पीछे वाले लूप में से निकाल देंगे। अब एक चैन लेके धागा कट करेंगे अपना। देखिए फ्रेंड्स धागा कट कर दिया है, और मैंने देखिए चौली की किनारी बना दी है साथ के साथ, और मैंने ये दो कलर लिए हुए हैं, डार्क ब्लू और स्काई ब्लू। चलिए धागा ज्वाइन करते हैं हम अपना पहले। देखिए स्काई ब्लू कलर का धागा लेंगे, और जहाँ से हमने ये धागा कट करा है वहीं से ज्वाइन करेंगे। जो हमारा पहला डबल क्रोशिया है उसके चैन में डालेंगे ऊपर की, और यहाँ धागा अटैच कर देंगे। तीन चैन बनाएंगे, 1 2 3, स्लिप चैन से हमने इसे ज्वाइन करा है। देखिए अब दूसरी चैन में एक बार बनाएंगे, हर चैन में से एक एक बनाते हुए चलेंगे यहाँ तक बीच में जहाँ हमने तीन चैन बनाई थी।
दोनों धागे दबाते हुए चलेंगे साथ के साथ पीछे से। देखिए 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशे बने हैं हमारे ये। अब जो हमारे ये देखिए बीच की चैन है वहाँ पे हम 3 बार डबल क्रोशे बनाएंगे। पहले 1 2 और सेम जगह डाल के एक और बनाएंगे 3। 3 बनाने के बाद 2 चैन बनाएंगे 1 2। 2 चैन बनाई हमने, नीचे 3 चैन ली थी इस पिंक कलर के धागे में और ऊपर हमने 2 चैन लिए और सेम जगह से फिर से 3 डबल क्रोशे बना देंगे 1 2 3। एक ही जगह से हमने देखी बीच वाली जगह से ही हमने 6 डबल क्रोशे बनाए, 3 डबल क्रोशे 2 चैन 3 डबल क्रोशे सेम जगह से बनाए हमने। और ये देखिए जो एक्स्ट्रा थ्रेड है उनको कट कर देंगे। अब देखिए एक हर चैन में से एक एक डबल क्रोशे बनाते हुए इधर तक पहुंचेंगे। देखिए फ्रेंड्स मैंने 6 डबल क्रोशे बना दिए लास्ट तक। अब देखिए 3 चैन बनाएंगे, 6 बनाने के बाद 1 2 3 चैन बनाई और जो हमारा ये पहला लूप है 2 चैन वाला उसको हम इस छोड़ देंगे। देखिए बल लेंगे इसको छोड़ के, दूसरी वाली चैन को हुक में लेंगे और ड्रेस को इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ पे 3 बार धागा लेंगे। पब स्टिच बनाना है हमें 1 देखिए 2, चैन के नीचे से हुक डालेंगे और ये 3 3 बार धागा लिया। सारे लूप एक साथ निकालेंगे, पीछे के 2 छोड़ देंगे ये देखिए इस तरीके से। अब 2 में से 1 कर देंगे, अब 2 चैन का गैप देंगे 1 2। अब देखिए जो हमारा ये दूसरा लूप है ये वाला थर्ड वाला जो हमारा ये है लूप इसको उठाएंगे हुक पे और यहाँ पे भी 3 बार धागा लेंगे 1 2 3। सारे लूप एक साथ निकालेंगे, 2 छोड़ के 2 में से 1 करेंगे, 2 चैन का गैप देंगे 1 2। देखिए आगे जाने के लिए हमें 2 चैन का गैप चाहिए ताकि हमारा झोल ना आए। बल लेंगे, चैन को हुक पे लिया और यहाँ पे देखिए 3 बार धागा लेंगे। ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है हमें, पब स्टिच ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है, इतना बहुत है 1 2 3। सारे लूप एक साथ निकालेंगे, 2 छोड़ के 2 में से 1 कर देंगे और 2 चैन लेंगे 1 2। फिर बल लेंगे देखिए 1 2 3, 2 चैन लेंगे 1 2। और देखिए फ्रेंड्स जो हमारा सबसे ऊपर वाला ये लूप है 2 चैन का ये वाला, यहाँ पे हमें पब स्टिच नहीं बनाना है। देखिए सिंगल क्रोशे से ज्वाइंट करेंगे हम यहाँ पे। देखिए बल नहीं लेना हुक पे, चैन लेंगे हुक के ऊपर और यहाँ पे सिंगल क्रोशे बना देंगे। देखिए 2 लूप है, 2 में से 1 कर देंगे। अब 2 चैन बनाएंगे 1 2, 2 चैन बनाई। अब देखिए ड्रेस को इस तरीके से पकड़ेंगे क्योंकि हमने देखिए 2 चैन सिंगल क्रोशे बनाने से पहले बनाई थी, तो देखिए इस तरीके से हमारा बराबर आएगा। इधर भी 2 चैन, इधर भी 2 चैन, 2 चैन ली हमने सिंगल क्रोशे बनाने के बाद भी और पहले भी। बल लेंगे और देखिए जहाँ पे हमने पब स्टिच बनाया है ये 2 चैन के स्पेस में, इसी जगह पे हम दोबारा से पब स्टिच बनाएंगे। इस तरीके से पकड़ के बनाना है, देखिए गैप दिख रहा है आपको। एक पब स्टिच बनाने के बाद भी यहाँ पे इसी जगह पे हम फिर से एक बार और बनाएंगे पब स्टिच। एक बार धागा लिया, 2 बार लेंगे और ये तीसरी बार भी लिया। सारे लूप एक साथ निकालेंगे और 2 में से 1 करेंगे और 2 चैन लेंगे 1 2। आगे जाने के लिए 2 चैन लेनी है, फिर दूसरा लूप उठाएंगे, इसी के साथ बनाना है हमें। देखिए जैसे हमने इसी के साथ बनाया है, एक पब स्टिच बनाने के बाद थोड़ा सा स्पेस रह जाता है, देखिए इसी जगह पे फिर से बनाएंगे 1 2 3। सारे लूप निकालेंगे, 2 छोड़ के 2 में से 1 करेंगे, 2 चैन और देखिए इसी तरह बनाते हुए मैं यहाँ तक पहुँचूँगी।
देखिए फ्रेंड्स, मैं लास्ट देखिए लास्ट में आ गई बनाते हुए नीचे की साइड। अब देखिए, जब हम इधर क्रॉस में आए थे तो हमने तीन चैन ली थी। अब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तब भी हमें तीन चैन लेनी है। देखिए पफ स्टिच सारे बन गए, सामने सामने बना दिया हमने। एक लाइन में चार बने हमारे, एक दो तीन चार, और इसमें देखिए एक दो तीन चार पाँच, इसमें हमारे पाँच बने थे। अब देखिए, अब इधर से हम तीन चैन बनाएंगे, एक दो तीन। अब हम इस तरीके से इसे ज्वाइंट करेंगे, जो हमारा पहला डबल क्रोशिया है उसके चैन में डाल के एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए एक एक बनाते हुए हम ये तीन चैन के स्पेस में आ जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने छह बना दिए। अब देखिए इस चैन के स्पेस में हमें दो तीन बार डबल क्रोशिया बनाने, एक दो। देखिए तीन बना दिए हमने, तीन बनाने के बाद दो चैन का गैप देना है, एक दो। फिर से सेम जगह डाल के तीन बार और बनाएंगे, एक दो तीन। और फिर देखिए बनाते हुए डबल क्रोशिया यहाँ पहुँचेंगे, एक चैन में से एक बनाएंगे, फिर दूसरी चैन में से बनाएंगे। और बनाते हुए यहाँ तक पहुँचेंगे, देखिए बनाते हुए लास्ट तक आ गए। अब लास्ट में आके तीन चैन बनाएंगे, एक दो तीन। पहला लूप छोड़ देंगे ये दो चैन वाला, और दूसरे में हम अपना हुक डालेंगे नीचे की साइड से, और यहाँ पे पफ स्टिच बनाएंगे। इस तरीके से पकड़ेंगे ड्रेस को ताकि हमारी बनाने में आसानी हो, एक दो तीन। सारे लूप एक साथ निकालेंगे, दो छोड़ के और दो में से एक करेंगे, फिर दो चैन का गैप देंगे। और देखिए जैसा हम यहाँ बनाते हुए आए, मैं यहाँ तक बना के फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए बनाते हुए हम ऊपर की साइड आ गए, चार बना दिए हमने। और जो हमारा सबसे पहला दो चैन का स्पेस है, ये देखिए ये वाला, इसमें हम सिंगल क्रोशे से ज्वाइंट करेंगे। यहाँ पे हमें पब स्टिच नहीं बनाना है, देखिए बल नहीं लेना हमें। हुक डालेंगे चैन के अंदर नीचे से, और धागा लेके बाहर आए, दो लूप है, दो में से एक कर देंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने से पहले हमने दो चैन ली थी यहाँ पे, और फिर दो चैन बनाएंगे, एक दो। फिर बल लेंगे, बल लिया हमने, और इसी इसी के सामने जहाँ पे हमने ये वाला पफ स्टिच बनाया, इसी के सामने फिर से एक एक पफ स्टिच बनाते हुए चलेंगे। दो तीन बार धागा लेंगे, सारे लूप निकालेंगे, दो में से एक करेंगे, फिर दो चैन। और देखिए इसी तरह बनाते हुए मैं इधर के साथ यहाँ तक पहुँच जाऊँगी। यहाँ तक पहुँच के फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए मैं नीचे तक आ गई बनाते हुए चार पफ स्टिच। अब लास्ट में आके हमें फिर तीन चैन बनानी है, क्योंकि हमने इधर की साइड से भी देखिए तीन चैन ली थी यहाँ से आते हुए। अब जब हम इधर की साइड जाएंगे उल्टे हाथ की तरफ को यहाँ पे, तो यहाँ भी हमें तीन चैन बनानी है पहले, एक दो तीन। और जो हमारा पहला डबल क्रोशिया है उसकी चैन में डाल के एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर चैन में से एक एक बनाना है। और देखिए इसी तरीके से हम बीच में आके तीन डबल क्रोशिया, दो चैन और तीन बार डबल क्रोशिया बनाने हैं, जैसे हम यहाँ बना रहे हैं। और इसी तरीके से मैं पूरी रो कंप्लीट कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, हम वर्क के लास्ट में आ गए। लास्ट में आके हमने तीन चैन बना दिए। देखिए लास्ट में तीन चैन बना दी हमने। अब जो हमारी थर्ड चैन है, पहले डबल क्रोशिया की थर्ड चैन में डाल के यहाँ पे पीछे वाले लूप में से निकाल देंगे, और एक चैन लेके धागा कट करेंगे दूसरा। देखिए फ्रेंड्स, अपना डार्क ब्लू धागा लेंगे, और जहाँ से हमने कट कराए वहीं से ज्वाइंट कर देंगे इस धागे को। स्लिप चैन से ज्वाइंट करेंगे इसको, और तीन चैन बनाएंगे, एक दो तीन। ये हमारा एक डबल क्रोशिया बन गया है। अब दूसरे चैन में एक बार बनाएंगे, और थर्ड चैन में से भी एक बार बनाएंगे। और एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए हर चैन में से हम ये दो चैन के स्पेस में आएंगे।
देखिए हम दो चैन की स्पेस में आ गए। और दो चैन की स्पेस में आके हम तीन बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले एक दो तीन बार बनाए हमने। तीन बार बनाने के बाद दो चैन लेनी हमें, एक दो। दो चैन लेने के बाद सेम जगह पे फिर से तीन बार डबल क्रोशिया बना देंगे हम, एक दो तीन। देखिए कुछ इस तरीके से आएगा हमारा डिजाइन। और इसके बाद फिर हर चैन में से एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए हम नीचे की साइड पहुंचेंगे। देखिए हर चैन में से एक एक बनाएंगे। और इसी तरह बनाते हुए हम यहाँ तक पहुँचेंगे, लास्ट वाले तक। देखिए फ्रेंड्स हम लास्ट वाले तक आ गए बनाते हुए। अब यहाँ आके हमें दो चैन लेनी है, एक दो। देखिए दो चैन ली हमने। और जो हमारी ये तीन की चैन थी, ये वाली स्काई ब्लू कलर के धागे की ये वाली, इसको हम देखिए इस तरीके से पकड़ेंगे। यहाँ पे हमें तीन बार डबल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए बल लेंगे हुक पे और इस तीन की चैन के स्पेस में हम तीन बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन। तीन बार बनाए। अब देखिए फ्रेंड्स जो हमने दो दो चैन का गैप दिया था यहाँ पे, देखिए हर जगह पे दो दो चैन का गैप दिया था हमने, उस जगह पे भी तीन बार डबल क्रोशिया बनाने हैं हमें, एक दो तीन। फिर देखिए दो चैन के स्पेस में फिर से तीन बार डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। देखिए फ्रेंड्स हम इधर हम कोई भी चैन नहीं ले रहे। देखिए तीन बनाए फिर तीन बनाए, बीच में हमें चैन नहीं लेनी है, सिर्फ हमें तीन तीन डबल क्रोशिया बनाने हैं दो चैन के स्पेस में। देखिए तीन बनाने के बाद फिर बल लेंगे और दो चैन के स्पेस में तीन बार बनाएंगे दोबारा से, एक दो तीन। और देखिए यहाँ बनाने के बाद देखिए जो हमने सिंगल क्रोशिया से पहले दो चैन का गैप लिया था यहाँ पे भी हमें दो तीन बार बनाने हैं। जहाँ भी हमने दो दो चैन बनाई है उस जगह पे, और नीचे आके तीन चैन के स्पेस में हमें तीन बार बनाने हैं वहाँ पे भी, दो। और सेम जगह डाल के एक बार और बना देंगे। देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से आया ये। अब देखिए अब हमें इसे ज्वाइंट करना है। हमने स्काई ब्लू कलर का धागे से देखिए सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट करा था नीचे वाले पहले वाले लूप में। अब देखिए हम इसको कहाँ ज्वाइंट करेंगे। देखिए जो हमारा ये बीच का स्पेस है, देखिए जो हमारा ये वाला डबल क्रोशिया है, देखिए ये वाला, ये सीधे हाथ की तरफ को यहाँ पे जो चैन दिख रही है आपको, देखिए इस चैन के स्पेस में, देखिए ये जो हमारे ये डबल क्रोशिया वहां पे हमें ज्वाइंट नहीं करना है, इसके नीचे ये वाली चैन। आई होप आपको नजर आ रही होगी, ये देखिए इस वाली चैन में हमें ज्वाइंट करना है। देखिए बल नहीं लेना है, सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट करना है सीधे हाथ की तरफ की चैन को। मैं डाल के हुक, ये देखिए दो लूप है, दो में से एक करेंगे। अब ज्वाइंट करने के बाद फिर देखिए दो चैन का स्पेस है हमारा यहाँ पे, सिंगल क्रोशिया हमारा ये रहा। उसके बाद हमने दो चैन बनाई थी वहाँ पे भी तीन बार डबल क्रोशिया बनाने हमें, एक दो तीन। फिर से तीन बार बनाएंगे, एक दो तीन। और इसी तरह से बनाते हुए मैं नीचे तक पहुंच जाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स जो हमारी तीन चैन का स्पेस था सबसे नीचे, वहां पे भी हमने तीन बार बना दिए। अब देखिए इधर की साइड जाने के लिए हमें दो चैन बनानी है, एक दो। दो चैन बनाई और जो हमारा पहला डबल क्रोशिया है वहां पे एक एक बनाएंगे, हर चैन में से एक एक बनाते हुए चलेंगे। और देखिए यहाँ के हमें तीन बनाने हैं, दो चैन लेनी है, फिर से तीन डबल क्रोशिया बनाने। और यहाँ तक मैं बना के यहाँ पहुँच के फिर आपको दिखाती हूँ।
देखिए फ्रेंड्स, हम बनाते हुए देखिए लास्ट तक आ गए। अब देखिए यहाँ आके दो चैन बनाएंगे, एक दो चैन बनाई हमने, और जो हमारे तीन चैन का स्पेस है जो हमने यहाँ से लिया था, देखिए इसे ऐसे पकड़ेंगे और इसमें तीन बार डबल क्रोशे बना देंगे, एक दो तीन। अब जो हमारे देखिए दो दो चैन का स्पेस है वहाँ पे हम तीन तीन डबल क्रोशे बनाते हुए यहाँ तक पहुँचेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए मैं ऊपर की साइड आ गई। अब इसे देखिए हम जॉइंट करेंगे, मैं आपको बताती हूँ। देखिए फिर से जो हमारा ये स्पेस है, जगह है, ये देखिए जहाँ से मेरी ये फिंगर दिख रही है, देखिए इस साइड पे हमारी ये छोटी सी चैन है सीधे हाथ की तरफ को, इधर वाली चैन में नहीं डालेंगे, इस वाली चैन में हुक डालेंगे। देखिए हमने हुक डाला और धागा लेके आए, दो लूप पे दो में से एक कर देंगे, सिंगल क्रोशे से हमने ज्वाइंट कर दिया। और फिर से देखिए हमारी ये दो चैन है वहाँ पे हम तीन बार डबल क्रोशे बनाएंगे, एक दो तीन, और इसी तरीके से बनाते हुए हम यहाँ तक पहुँचेंगे तीन चैन की स्पेस में। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी ये तीन चैन थी हमने वहाँ भी तीन डबल क्रोशे बना दिए। तीन बनाने के बाद हमें दो चैन बनानी है, एक दो। अब देखिए हम जो हमारा इस इधर की साइड वाला डबल क्रोशिया है, उल्टे हाथ की तरफ वाला, वहाँ पे हम पहले डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे एक चैन के अंदर, दूसरे चैन के अंदर एक, और इसी तरीके से हर चैन के अंदर एक एक बनाते हुए यहाँ पहुँचेंगे। यहाँ बना के तीन डबल क्रोशिया, दो चैन, तीन डबल क्रोशिया बनाने हैं। और फिर यहाँ आके देखिए यहाँ आके फिर दो चैन का गैप देना है, और जो हमारी ये तीन चैन का स्पेस है, देखिए जो हमारी ये तीन चैन है यहाँ पे हमें इधर की साइड, अंदर की साइड बनाने हैं, बाहर की साइड नहीं बनाने फ्रेंड्स। देखिए ड्रेस के ऊपर की साइड बनाने हैं, यहाँ पे तीन डबल क्रोशिए, इसी तरीके से बनाते हुए यहाँ तक पहुँचेंगे। फिर हमें देखिए यहाँ ज्वाइंट करना होगा, उल्टे हाथ की तरफ को ये छोटी सी चैन दिखाई दे रही होगी आपको वहाँ पे, और देखिए इस तरीके से हमारा ये डिजाइन आएगा। और अब मैं रो कंप्लीट कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, हम वर्क के लास्ट में आ गए, लास्ट में आके हमने दो चैन बना लिए। अब जो हमारा पहला डबल क्रोशिया था उसकी थर्ड चैन में डाल के और पीछे वाले लूप में से निकाल देंगे और एक चैन लेके धागा कट करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, इसको थोड़ा हमें सेट करना पड़ेगा इस तरीके से। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताना भूल गई थी, मैंने ये हुक 2.5 mm का यूज़ करा हुआ है। और धागा कट करेंगे अब। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ड्रेस बन के बिल्कुल तैयार हो गई है, और देखिए कितनी सुंदर लग रही है बनने के बाद हमारी ये ड्रेस। और इसी तरीके से आप तीन नंबर बाल गोपाल जी की बना सकते हैं, चोली बना के और इसी पैटर्न को फॉलो करिए तो आपकी तीन नंबर बाल गोपाल जी की भी बन जाएगी। ये मैंने चार नंबर बाल गोपाल जी के लिए बना रखी है। और देखिए मैं आपको इसका साइज बता देती हूँ कि कितना साइज रखा है मैंने। ये देखिए फ्रेंड्स, लगभग ये हमारी 8 इंच के करीब आ रही है, 8 इंच का घेरा आ रहा है। और जो हमने पांच नंबर बाल गोपाल जी के लिए बनाई हुई थी ये हमारा 10 इंच का घेरा आ रहा था। और फ्रेंड्स, अगर आपको घेरा और भी बड़ा रखना है, 8 इंच से ज़्यादा रखना है, तो आप इसी पैटर्न को फॉलो कर लीजिए, एक दो रो और बना लीजिए, जैसे इस वाली ड्रेस में मैंने बनाई हुई पांच नंबर बाल गोपाल जी की में। और देखिए हमारी ड्रेस बन के बिल्कुल तैयार हो गई है और बहुत ही सुंदर बनी है हमारी ये। कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत ही प्यारा है हमारा इसका, और आप किसी भी तीन कलर का यूज़ करके बना सकते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, और जो मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो सातवां आइकन बेल आता है उसको प्रेस करिएगा। मैं जब भी कोई वीडियो डालूंगी आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा और आप मेरी वीडियो देख पाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।